अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हुज़ैफ़ा आसिम और आप देख रहे हैं द रियल टैफी व्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग्स। हाँ भाई, मुझे ये बता कि मैंने अपलोड नहीं किया व्लॉग अपना बड़ी देर से, उसकी वजह यह है कि मेरे फाइनल्स आ गए थे, उससे पहले प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट का इतना ज़्यादा काम पेंडिंग था, तो मैंने कहा कि चलो ये ख़त्म हो गए तो फिर मैं करूँगा अपलोड। एक दो व्लॉग मैंने और डाले हैं पर वो भी मैंने अपलोड नहीं किए। और आज जो है ना, आज का ये सीन है कि फूड एक्सपो लगा हुआ है लाहौर एक्सपो सेंटर में, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जा रहे थे। मैंने सोचा चलो वहाँ पे जाके एक ब्लॉग करते हैं जिसको मैं ना कल पोस्ट करूँगा और आप लोगों को एंटरटेन कराऊँगा, और मैं फिर इस तरह मुझे ब्लॉग भी मिल जाएगा। दूसरा मेरा ब्लॉग आएगा ट्यूसडे वाले दिन। तो यार, जिसने नहीं किया ना अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। जो मेरा ये वाला ब्लॉग आएगा और जो मेरा ट्यूसडे को ब्लॉग आएगा, 200 करने हैं सब्सक्राइबर्स, अभी ये टारगेट है, छोटा टारगेट है, 200 करने हैं। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मेरी वीडियोज वॉच हों, और मुझे 200 सब्सक्राइबर्स चाहिए इस वीक के अंदर 20 डेट से पहले। तो यार, अभी तो हमने वैसे जाना है 4:15 बजे और अभी टाइम हुआ है 2:07, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद हम तैयार होंगे, कपड़े वगैरह देखेंगे, उसके बाद जो है ना निकलेंगे अपने। बाकी बॉयज़ भी जो हैं वो रेडी शेडी हो रहे हैं, और जब वो रेडी हो जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे। तब तक के लिए जो है ना थोड़े से अपने छोटे छोटे काम है वो करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर निकलेंगे सुकून से एक दफ़ा, और फिर सारे एक दोस्त के घर इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम वहाँ से आगे जाएंगे, फिर अपने जो है ना फंक्शन वगैरह इवेंट अटेंड करेंगे। तो इधर मैंने अपने कपड़े शपड़े वगैरह रेडी कर लिए हैं, और उसके बाद अब एक छोटा सा काम रह गया, मैंने बस नहाना है, उसके बाद हमने हॉस्पिटल जाना है, एक छोटा सा काम हॉस्पिटल में है, और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे एक्सपो सेंटर। तो यार, अब मैं हो गया फाइनली रेडी, मेरा दोस्त भी बाहर आ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ उसके साथ। सबसे पहले हम हॉस्पिटल जाएँगे, फिर हम जाएँगे भाई एक्सपो। तो अब चलते हैं, और ये फाइनली भाई हमारा दोस्त इतनी देर बाद हमें लेने के लिए आया है, और मिल भी इतनी देर बाद रहा है। यार, अभी हम पहुंचे सिर्फ हॉस्पिटल आए हैं, यहाँ पे छोटा सा काम, मेरे एक और भी दोस्त इधर ही है, अभी मैं तहा और दो दोस्त अंदर हैं, उनको फिर जब यहाँ से काम हो जाएगा हमारा तो फिर हम उसके बाद सीधा निकलेंगे, वहाँ पर जाएंगे डायरेक्ट फिर एक्सपो। आपने लगा हुआ हॉस्पिटल आया यार, फाइनली जो है ना, अब हमें पहले एक हॉस्पिटल जाना पड़ा, अब हम दूसरे हॉस्पिटल में आए, काम शाम हमारा हो गया, अब हम निकलने लगे भाई, अब हम जा रहे हैं, अब हम जाने लगे, हम अब एक्सपो जाके जो है ना अपना शुगर करेंगे। और जिसने खून दिया वो किधर चला गया? वो आ रहा है, ये बॉस, ये द लेजेंड फुरकान। अब हम फाइनली पहुंच तो गए हैं यहाँ पे, रश चेक करो कितना ज़्यादा रश है। अब हम यहाँ आए हैं और मेरे दो दोस्त पहले हमें छोड़ के भाई अंदर चले गए हैं, मैं और मेरे साथ अफनान रह गए जो अभी तक बाहर हैं, हम लेट हो गए थे। अब जाते हैं अंदर और फिर देखते हैं क्या सीन है। अब हम जाएंगे अंदर और देखते हैं अंदर क्या सबसे पहले, और फिर कंसर्ट अटेंड करेंगे। कंसर्ट है 6:00 शायद, और तब देखते हैं उसके बाद कंसर्ट अटेंड करके खाना पीना और घर। रश तो काफ़ी है भाई पार्किंग में, बाकी वाली तरफ जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना वो है रश, आगे मिलेगा हमें। सिक्योरिटी के भी भाई फुल इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद हैं, और ये अब जाके जो है ना पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पे ना रश है काफ़ी। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे ना रश नज़र आ रहा है लोगों का। अब जाके देखते हैं आगे कि जो है ना दोनों कहाँ पे घूम गए हैं, वो हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। अब फिर देखते हैं जाके, उधर जाते हैं। लो बॉस, अब ये सही रश आना शुरू हुआ ना यहाँ पे, फूड स्टॉल्स हैं सबसे पहले हमारे पास, और उधर कॉन्सर्ट है रात को, यस प्रॉब्ली उस जगह पर। अच्छा बॉस, पासिस का पता नहीं क्या सीन है, इतनी लंबी लाइन लगा दी इन्होंने यहाँ पे। अभी सीन ऐसा कि लाइन तो यहाँ बहुत लंबी थी भाई की वजह से ना, हमारे लाइन यहाँ पे बहुत लंबी थी, हमें अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है, अब हम उसके लिए वहाँ से फिर इतनी लंबी लाइन से पहले अंदर गए, और अब हम बाहर आ गए यहाँ पे, अब हम यहाँ बैठ के अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको इन्जॉय करेंगे थोड़े से सिनेमेटिक्स, और उसके बाद फिर वेट करेंगे खुद भी कि ज़रा शाम हो तो फिर अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाए और आपके साथ शेयर करें। उसके
यार फूड स्टॉल्स बहुत अमेजिंग है यहाँ पे, हर तरह का फूड स्टॉल लगा हुआ है, थाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, देसी, बेकरी आइटम्स, और इसके अलावा डिजर्ट्स इतने सारे हैं, मैंने सिनेमेटिक्स बनाए हैं, आपको दिखाता जाऊंगा बीच बीच में। और उसके अलावा अभी भी यहाँ पे लोगों का रश इतना ज़्यादा ही है, असल में सारे आए कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, और ये पपिट शो ये बंद है अभी पड़ा हुआ। तो अभी हमने अब रजिस्ट्रेशन तो हमने करवा ली ऑनलाइन जो हो रही थी, इसके बाद अब हम जब कॉन्सर्ट वाली तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ पर दिखाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखूँ, आपको सिर्फ मेन चीज़ें दिखाऊँ, ताकि जो है ना आप लोगों को भी पता चल जाए, और जो है ना मैं भी अपना ब्लॉग जो है ना सही तरह पूरा कर लूँ, ये ना हो कि कोई चीज़ रह जाए बीच में। अच्छा भाई मेन चीज़ ये है कि अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, ना मैंने खाना खाया ना अफनान ने खाना खाया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इतने इतने मज़ेदार खाने, अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा खाना खाना है, तो उसके बाद हम खाना शाना खाएंगे, फिर बाकी जो दो रह गए उनको पकड़ेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम। यार हमें तो ये पता नहीं था कि अंदर भी इतना ज़्यादा माहौल लगा हुआ है भाई, ये देखो सारे फूड स्टॉल्स सही वाले तो अंदर हैं, हम बार बार इसे भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पे, अल्लाह काम देखो इसके, अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। यार यहाँ पे घूम फिर के हम आए थे मैकडॉनल्ड्स पे, और जो है ना अभी तो हमारा ऑर्डर आया है, अभी ऑर्डर लेने के लिए ये फुकान खड़ा है वो लाइन में, अब यहाँ से खा के फिर कॉन्सर्ट वाली तरफ जाएंगे, वहाँ पे रश आगे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ से लेके वो एंड तक, रश ही रश है यहाँ पे, और कहीं जगह नहीं मिली तो हम सारे भाई ज़मीन पर ही बैठ गए, बाकी सारी चेयर्स फुल हैं, सारा कुछ फुल है। अरे यार फाइनली हम ना कॉन्सर्ट वाली जगह पे आ तो गए हैं, पहले उन्होंने एंट्री बंद का ड्रामा किया, फिर इतने ड्रामों के बाद अब हम फाइनली अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे यार इस कदर रश है आगे, पता नहीं जगह कैसे मिलेगी, देखो आगे इतना रश है, और वो पीछे स्टेज, अभी आगे जाके देखते हैं हमें अच्छी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी आगे। ज़्यादा रश है यार यहाँ पे, तो आगे आगे बड़ी सारी सीट्स फुल हो गई हैं, पीछे पीछे जगह मिलेगी अब यहाँ पे बैठने के लिए, भाई हमें जगह मिल गई यहाँ पे बैठने के लिए, मैं ताहर साहब बैठ गया, और जो है ना एक सीट हमने अपने एक और दोस्त के लिए रखी है, बाकी इतनी दूर है यार अब यहाँ से, पर भाई वीडियो बनेगी सही, सब कुछ बनेगा A1 अच्छा करके। यहाँ मुझे इतनी देर बाद कॉलेज का दोस्त मिला यहाँ पर, और जो है ना कैसा यार, बहुत अच्छा बंदा था, FC में हमारी बड़ी सारी मेमोरीज है आपस में, पर ये मिलता ही नहीं था, अभी आके फिर मिला है, ठीक है, और अभी दो और आए हैं पर वो मिल नहीं रहे, जैसे मिलेंगे ना उनको उनको भी ढूंढ के ना फिर जरूर बताना, ठीक है, ओके Let's go.
है यूट्यूबर स्टोरी पेनर पेनकर भाई सुपर पानी में डूबर यार यहाँ पे जो है ना मैं ब्लॉग बता रहा हूँ एंड क्यू के भाई को छड़ खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है तो इससे पहले कह रहा है अल्लाह और ज्यादा बढ़ जाता हम जा रहे हैं वापस हमने बहुत एंजॉय किया मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग थैंक यू दिल से बोल रहा हूँ भाई दिल से बोल रहा हूँ थैंक यू अल्लाह हाफिज़।